हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन। रेलवे में नई वैकेंसी आई है L1 और L2 टाइप के लिए, जैसे कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM की पोस्ट के लिए। तो ये 2018 का रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है। अब ऐसा तब पता चला जब हमारे यहाँ के जो रेलवे मंत्री हैं उन्होंने ट्विटर पर एक इमेज पोस्ट की। उस इमेज में इन्होंने लिखा कि अब जो है 90,000 की जगह 1,10,000 नौकरियां आपके लिए आ गई हैं। अभी 1,10,000 नौकरियां कैसे हैं? इसमें अगर देखो तो 65,000 पोस्ट जो है वो आपकी ग्रुप डी की थी, 26,502 पोस्ट थी वो आपकी ALP असिस्टेंट लोको पायलट की थी। बाकी की जो पोस्ट है इसमें आपका RPF की वैकेंसी है 9,000 जो है ये, और L1 और L2 में 10,000 से ज्यादा जो है ये इन्होंने कहा है अतिरिक्त नौकरियां जो है। अब L1 और L2 में कौन सी पोस्ट आती है? इसमें आपका आ जाता है टिकट कलेक्टर, गुड्स गार्ड और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ASM की पोस्ट यहां पर आ जाती है। तो यही तीन वैकेंसी का टाइप है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये देख लें कि जो रेलवे मंत्री हमारे यहाँ के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया है और अपकमिंग डेज में ऑफिशियल PDF पूरी आ जाएगी रेलवे की ओर से, जिसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा वो बताया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन होती है, जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए उसमें अगर आप केवल ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप ASM और गुड्स एंड गार्ड्स, ठीक है GG, और जो ये तीन पोस्ट मैंने आपको बताई टिकट कलेक्टर की, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं केवल ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया रहता नहीं है। अगर आपने BTech किया है तब भी आप कर लो, अगर आपने जो ITI नहीं किया है तो ITI का कोई भी यहाँ पर यूज नहीं होता है। BTech हो, BA हो, BCA किया हो, कोई भी आपके पास में फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए तो आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। और परसेंटेज आपके कितने भी आए हों, केवल पासिंग मार्क्स हों, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि लास्ट जब भी वैकेंसी आई थी तो उसमें यही फंडा चल रहा था। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और अगर एग्जाम की बात की जाए तो पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर ये इंटरव्यू। अभी तक ये होता आया था, लेकिन और ज़्यादा नॉलेज जो है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तब मिल पाएगी जब इसकी PDF आ जाएगी ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पर। तो अभी तो आप केवल ये देख लें कि ये इसकी घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर प्रक्रिया जो है ये जारी कर दी जाएगी। ये जो अप्रैल का मंथ होगा इसमें ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरने भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, जैसे ही कोई नया पोस्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो कुछ प्लेलिस्ट भी हैं रेलवे के लिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और अभी जो ऑन रिक्रूटमेंट चल रहा है उसकी भी हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इस नोटिफिकेशन के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी इस फॉर्म को फिल करें और आपके रिलेटिव्स भी एक अच्छी जॉब पा सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।